नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोक नगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र बदौलिया। आप हमारे एसआर अशोक नगर चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर एसआर अशोक नगर सब्सक्राइब कीजिए और यहां पर आपको अशोक नगर से संबंधित सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध हैं। बीते महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंदेरी और मुंगावली क्षेत्र के कोई 84 गाँवों को लाभ पहुँचाने के लिए एक बड़ी नहर परियोजना का शुभारंभ किया था। बेतवा नदी से शुरू होने वाली इस परियोजना में जितने गांव लाभान्वित होने थे उन सभी गांवों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भागीरथी जल यात्रा बीते एक सप्ताह से चलाई जा रही थी। आज इस यात्रा का समापन नया खेड़ा गांव में हो गया। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ साथ अरविंद भदौरिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। हालांकि समापन होने से ठीक पहले यह यात्रा विवादित भी हो गई। इस यात्रा को विवादित भी पार्टी के ही लोगों ने किया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस यात्रा के समापन के अवसर पर जो मंच पर बैनर लगाए गए थे उनको लेकर कुछ नेताओं ने आपत्ति दर्ज की है। यह मामला प्रदेश अध्यक्ष के पास भी पहुंचा और प्रदेश अध्यक्ष को इस मामले में अपनी सफाई रखनी पड़ी। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि बीजेपी में इस तरह का अनुशासन नहीं देखा जाता कि जिला अध्यक्ष को भी मंच पर स्थान न दिया गया हो बैनर में, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब चूंकि वो खुद इस कार्यक्रम में जा रहे हैं इसलिए किसी परिवार या व्यक्ति विशेष का ये कार्यक्रम ना होकर पूरे पार्टी का हो गया है। उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण एवं दूसरी कुछ चीज़ों को लेकर इस यात्रा को एक परिवार विशेष की होना बताकर प्रदेश अध्यक्ष एवं दूसरे पदाधिकारियों के सामने विरोध दर्ज कराया था और इस विरोध के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष को ये चीज कहना पड़ा कि अब वो आ गए हैं तो ये पूरी पार्टी का कार्यक्रम होगा, कमल का कार्यक्रम होगा। इसके पहले पत्रकारों ने जब इस मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से पूछा कि क्या ये यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए सिर्फ की गई है तो उसको लेकर उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया कि राजनीति में काम इसलिए किए जाते हैं कि उनका फायदा मिले। हालांकि उन्होंने कहा कि राजनीति के साथ साथ उनका प्रयास लोकनीति और समाज नीति के लिए था और इस परियोजना से चंदेरी और मुंगावली के बहुत सारे गाँव लाभान्वित होंगे। सर, भाजपा में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लेकर कहीं कोई अंदरूनी कलह की बात सामने आ रही है? कोई कलह नहीं है। जो मंच पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं उसमें जिला अध्यक्ष का फोटो नहीं है इस तरह का? नहीं, अब मैं तो मंच पे गया नहीं हूँ और जहाँ पे परिवार को फोकस, जहाँ पे मैं रहूंगा वहाँ पूरी भाजपा होगी। होर्डिंग से थोड़ी, प्रदेश अध्यक्ष जहाँ है वहाँ पूरा कमल है। आपके लिए ही की जाती है। कौन सा दल है जो चुनाव के लिए राजनीति नहीं करता? लेकिन राजनीति से अधिक हम समाज नीति पर काम करते हैं। राजनीति से अधिक समाज के उत्थान के लिए, प्रदेश के विकास के लिए हम काम करते हैं। और चुनाव यदि संयोग से आए हैं तो विकास तो रोका नहीं जा सकता और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महेंद्र सिंह कालूखेड़ा के निधन के बाद ये चुनाव की परिस्थितियां बनी, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है 400 करोड़ रुपए का, ये पहले से मुख्यमंत्री जी इस पे काम कर रहे थे, जल संसाधन विभाग काम कर रहा था। और आज इस मुंगावली विधानसभा में इस प्रोजेक्ट का हजारों किसानों को लाभ मिलेगा, तो कांग्रेस ने भी इसका स्वागत करना चाहिए। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के मंत्री लाल सिंह आर्य पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है मगर पार्टी उनके पूरी तरह से बचाव में खड़ी हुई है। आज चंदेरी पहुंचे मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने तानावाना होटल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि पार्टी पूरी तरह से लाल सिंह आर्य के समर्थन में खड़ी हुई है और वह अपने नेता को जमानत दिलाने का पूरा प्रयास कर रही है। उनसे जब पूछा गया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर मंत्री लाल सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही है तो उनका कहना है कि सीबीआई ने कांग्रेस के कार्यकाल में ही इनको क्लीन चिट दी है और ये भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को अभी दोषी ठहराया नहीं गया और उसके पहले उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैंने पूरे प्रकरण को देखा हूँ। श्री लाल सिंह आर्य को सीबीआई ने क्लीन चिट दी और सीबीआई ने क्लीन चिट कब दी? जब केंद्र में कांग्रेस की पंजे की सरकार थी उस सीबीआई ने दी। पूर्व में सारे प्रकरण की जांच होकर श्री लाल सिंह आर्य को निर्दोष साबित किया। अभी अदालत ने उनको दोषी करार नहीं दिया है,
सर अभी अदालत में प्रकरण चल रहा है और हम हमारे नेता के जमानत के लिए पूरी कोशिश करेंगे और मेरा स्पष्ट मत है कि किसी के ऊपर प्रकरण दर्ज हो जाने से वो मुलजिम नहीं बनता जब तक अदालत उसको सजा नहीं देती, इसलिए वो हमारे निर्दोष। कांग्रेस तो सर मंत्री रहते हुए कितनी इसकी जांच निष्पक्ष ढंग से उपाय है, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए मंत्री रहते हुए जांच पर कोई असर नहीं होता, मंत्री रहना छोड़ देंगे क्या लोग, विधायक बनना छोड़ देंगे लोग, जांच अपनी जगह होगी, हमारे जनप्रतिनिधि अपनी जगह है और कांग्रेस के जमाने में जांच में उनको निर्दोष साबित किया गया है, अभी वो दोषी करार नहीं है। बीते कुछ महीने तक अशोकनगर जिले के प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा हमेशा अशोकनगर गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कटाक्ष करते रहते थे, उनको टारगेट करते रहते थे। इससे पहले जब अशोकनगर में प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे ट्रामा सेंटर का उद्घाटन को लेकर, तब भी सिंधिया पर जबरदस्त उन्होंने तंज कसा था, मगर अब लगता है कि चुनाव आते आते ये सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं। आज जब प्रदेश अध्यक्ष से सिंधिया को लेकर बात किया तो उनके सुर बदले हुए लगे रहे थे। अभी तक सिंधिया पर का नाम आते ही तमाम सारी बात करने वाले ये नेता एकदम आज बदले हुए रुख में नजर आए। प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने पत्रकारों से पूछा कि कोलारस और मंगौली के उपचुनाव में सिंधिया को टारगेट किया जाना तय ज्यादा रहेगा या फिर विकास के मुद्दे को लेकर बात ज्यादा की जाएगी, तो श्री चौहान ने कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, अकस्मात आए इस चुनाव को लेकर विकास के मुद्दे पर वह चुनाव लड़ेंगे, सिंधिया एक दल के राजनेता है, वो अपनी बात करेंगे। उन्होंने इतना जरूर कहा कि उनके नेता शिवराज सिंह चौहान है और उनके किए गए विकास कार्यों को मुद्दा बनाया जाएगा। यानी ये सुर बदले हुए क्यों नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कहानी भी समझी जा सकती है या एक सोची समझी रणनीति भी है, क्योंकि सिंधिया को लेकर जितना अभी तक बीजेपी के नेताओं ने टारगेट किया है या उनको लेकर जितनी भी चीज़ें की गई हैं उसमें कई बार भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है या पीछे आए हैं, और ऐसे में लगता है कि सिंधिया की जगह विकास को राजनीतिक तौर पर चुनाव में मुद्दा ज़्यादा बनाया जाएगा। चलिए अभी जो दो उपचुनाव हो रहे हैं संसदीय क्षेत्र में, तो बीजेपी लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करती रहती है, तो क्या आगे के जो चुनाव हैं दोनों उपचुनाव उसमें मुद्दा सिंधिया रहेगा या डेवलपमेंट रहेगा? देखिए हमने कहीं भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट नहीं किया, वो एक दल के नेता है, वो उनका काम करे। मेरे दल के नेता शिवराज सिंह चौहान है प्रदेश में, हमारे मुख्यमंत्री के विकास के कामों के बल पर हम चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। हम हमारे काम गिनाएंगे, हमारे नेता की योजनाएं गिनाएंगे और उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे। अशोकनगर जिले का वन विभाग लंबे समय से विवादित चला आ रहा है, कभी कभार झूठे मुद्दे और अलग अलग चीजों को लेकर सामाजिक संगठनों और राजनेताओं के निशाने पर रहे। इस विभाग के द्वारा अब जो लापरवाही की जा रही है वो वन्य जनजीवों के जान पर बनाई है। अशोकनगर के चंदेरी के मालनकू के जंगलों में बीते दिनों एक तेंदुआ फंदे में फंस गया। समझ में ये नहीं आया लोगों को कि आखिर ये तेंदुआ फंदे में कैसे फंसा और वन विभाग के इतने लंबे चौड़े लाव लश्कर के बाद भी फंदा कैसे लगाया गया। अगर ग्रामीणों या आसपास के लोगों की माने तो शिकारी इस जंगल में जानवरों का शिकार करते हैं और इस तरह से फंदे अक्सर लगाए जाते रहते हैं और इसी में ये तेंदुआ फंसा था। करीब 24 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये तेंदुआ इसमें फंसा रहा था। वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने प्रयास किया मगर उनको सफलता नहीं मिली, तो माधव नेशनल पार्क शिवपुरी से टीम बुलाई गई, उन्होंने इसको रेस्क्यू किया और करीब 6 घंटे की मेहनत के बाद इसको अपने साथ वह शिवपुरी ले गए। फिलहाल ये देखरेख में है और इसके व्यवहार या दूसरी चीज़ों को लेकर ये तय किया जाएगा इसको जंगल में छोड़ा जाए, पर स्थानीय लोगों का मानना है कि बूढ़ी चंदेरी से लेकर नसियर घाटी तक ये तेंदुआ अक्सर यहाँ देखा जाता रहा है और ये उसका प्राकृतिक आवास भी है। ऐसे में वन विभाग के हमले की लापरवाही सामने आती है कि उनके रहते जंगल की सर्चिंग के बाद भी कैसे लोग जानवरों के शिकार के लिए फंदे लगा रहे हैं और इन फंदे लगाने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस मुद्दे को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की तो हर बार की तरह इस बार भी वो उनके सवालों से बचते नजर आए। ई
सीसागढ़ की शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर जमूरिया पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। उनको चोट आई है सर एवं दूसरे स्थानों पर। डॉक्टर साहब जब अपने घर पर थे इस दौरान उन पर यह हमला किया गया है। 3 व्यक्ति इस हमले के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं जिनकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। इस हमले के विरोध में आज अस्पताल के लोगों ने हड़ताल कर दी है और उनका कहना है कि जब तक हमलावरों को नहीं पकड़ाया जाएगा यह कार्यक्रम या विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। ये बिल्कुल सही है कि डॉक्टर साहब के साथ में इस प्रकार का कृत्य किया गया है। ये बहुत ही संगनीय अपराध है और यदि वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकार की कृत्य अपराध के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे और अपराधियों को नहीं पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ तो हड़ताल तो करेंगे लेकिन हम इस कार्रवाई को राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। किस तरह की घटना घटित हुई आपके साथ सर? ये असल में ये सही है कि मेरा नाइट ड्यूटी थी कि मैं अस्पताल से गया तो खाना खाने लगा और खाना दरवाज़ा मेरा लटका हुआ था तो जैसे ही मेरे को हाट की आवाज़ आई कोई दरवाज़ा खोल रहा है और कराने की आवाज़ आई तो मैंने दरवाज़ा खोला। 3 लगापुर लोग खड़े हुए थे जी। मैं समझ नहीं पाया। मैं कुर्सी बैठने लगा तो उन्होंने मेरे को हमला कर दिया और मेरे को झूमाझड़ी करके लात गुस्से से मारने लगे तेवल को मेरे को पटक दिया जी। सर उसके बाद मतलब आपने स्टाफ वगैरह को बुलाया आवाज़ लगाई कुछ आपको ऐसा लगा कि ये जान पहचान के लोग हैं ऐसा कुछ? मैंने सहायता के लिए आवाज़ लगाई जान पहचान के इसलिए पाया कि वो मुँह बांधे हुए थे मुँह पर मफलर बांधे हुए थे तीनों लोग। लेकिन मैंने जब स्टाफ को आवाज़ लगाई चिल्लाया मैं तो इतनी देर में वो क्या है तीनों लोग एकदम तेज से भागे और बाहर की कुंडी लगा के चले गए। बीते करीब एक दशक से अशोकनगर शहर में बूसू खेल ने अपने नाम रोशन करने का जो सिलसिला शुरू किया है वो लगातार चलता ही जा रहा है। एक के बाद एक क्लब अवार्डों की श्रेणी में इस वर्ष भी मध्य प्रदेश शासन ने अशोकनगर के खिलाड़ी को बूसू में एक क्लब अवार्ड दिया है। बीते दिनों भोपाल के टीटी नगर में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अशोकनगर के खिलाड़ी प्रियम जैन को बूसू के लिए एक क्लब अवार्ड दिया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी अशोकनगर को 4 बार इस प्रदेश स्तर के अवार्डों से नवाजा जा चुका है और ये सारे के सारे अवार्ड बूसू खेल के लिए ही मिले हैं। अब तक अशोकनगर जिले में वर्ष 2013 में भूरक्षा दुबे को एक क्लब, 2014 में कोच प्रदेश दुरेटे को विश्वामित्र, 2016 में नेहा राजपूत को एक क्लब सम्मान मिल चुका है। प्रियम जैन चौथे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। प्रियम के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें बूसू अध्यक्ष दया सिंह संधू, धर्मेंद्र रघुवंशी, मध्य प्रदेश बूसू संघ के मनोज गुप्ता, साई के कोच सुमित, ब्रजेश धुरेटे, राजदीप सिंह, इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों में भूरक्षा दुबे, श्रेया गुप्ता, आस्था अग्रवाल, राकेश पटेल सहित प्रियम के परिवार के लोग भी उपस्थित रहे। अवार्ड मिलने पर अशोकनगर जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित राजनेताओं एवं दूसरे लोगों ने बूसू खिलाड़ी प्रियम जैन को शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। में अयोध्या में बाबरी विध्वंस वाले मामले को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद एवं दूसरे धार्मिक संगठनों ने शौर्य दिवस के रूप में एक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान मशाल जुलूस में अशोकनगर शहर के हजारों लोगों ने भाग लिया। इन संगठनों से जुड़े लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के संकल्प को लेकर यह यात्रा निकाली। इस दौरान कई दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं समाज के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मान भी किया गया। यह यात्रा तारवाले बालाजी मंदिर से शुभारंभ हुई जो नगर के प्रमुख मार्गों से निकली।